मैं यहाँ कह दूं कि अवधि का जादू इन पर छाया हुआ है, और अवध को आप कम न समझें, राजा राम की ये पूरा जो रियासत है या संपत्ति है, अयोध्या से लेके लखनऊ तक इसका बहुत ज़बरदस्त सारी दुनिया में प्रभाव है। अवधि सब लोग समझते हैं कि अवधि एक देहाती जबान है, हमारे बच्चे समझते थे, फिर वो ये समझे कि रामचरितमानस की भाषा है, तुलसीदास जी ने हमको राम कथा अवधि में दी। लेकिन आप ये जान जाएं और हमारे नई पीढ़ी भी जाने कि तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में रामायण लिखी, उनसे 200 बरस पहले मुसलमान कहारों के कंधों पर अवधि की पालकी चली है। जायसी, कुतबन, मंझन, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह, न जाने कितने मुस्लिम कवियों ने अवधि को अपनी काव्य की भाषा बनाया। और बड़े मज़े की बात कि उन सबकी किताबों में जो हीरो हीरोइन हैं वो हिंदू राजकुमार हैं और हिंदू राजकुमारियाँ। आप नाम देखिए, पद्मावत में पद्मिनी है, राजा रतन सेन है, और फिर मधुमालती, मृगावती, हंस, जवाहर, नल, दमयंती, सारी किताबें। और तुलसीदास जी ने जो रामायण का कथानक है वो वाल्मीकि से लिया और भाषा जायसी से ली। समय के अनुसार 200 बरस में भाषा थोड़ी और सरल हो गई थी, जायसी की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है। लेकिन आप सोचिए, रायबरेली जिले के जायस का एक किसान, उसने क्या गजब काम किया। आप पद्मावत में देखिए, नागमती का 12 मासा मशहूर है, पियसे कहो संदेशड़ा रे भंवरा रे काग, शोधन भी रहे जन्म हुई तेहिक धुआं हमें लाग। तो नागमती के बिना उसारे में पुख नक्षत्र सर ऊपर आवा, हों बिन नाह मंदिर को छावा। आप सोचिए, पुष्य नक्षत्र लग गया है, बरसात करीब हो गई है, मेरा स्वामी मुझे छोड़ के चला गया है, मेरे घर की रखवाली कौन करेगा। हों बिन नाह, नाह नाथ को कहा, मंदिर को छावा। इस तरीके से हमारे वैदिक काल में यजुर्वेद में लोक संस्कृति का नाम आता है, लेकिन वहाँ उसको समाज कहा गया है। उसी तरह अशोक के शिलालेखों में इसको प्रजा संस्कृति कहा गया है। ये हमेशा से रही है। अब आपकी धरोहर, आपकी विला, ये जो कुछ भी है संपत्ति है, आपको इसे सहेजना। आप हमारे यहाँ का गौरव देखिए कि क्या क्या हमारे गीतों में आता है। कि मंदोदरी रावण से कहती है, उठो पिया मिलन आए रघुराई, उठो पिया मिलन आए रघुराई, आज इंद्र नहीं अंगना बहारे, आज पवन नहीं अंगना बहारे, इंद्र भरे नहीं पानी, और लक्ष्मी सरस्वती धान न कूटे, रोवे मंदोदरी रानी की जाको पिया मिलन आए रघुराई। राम के आने पर मंदोदरी किस तरह से रावण को अपनी मोह निद्रा से, अपने घमंड से जगाने की कोशिश करती है, सब लोग गीतों का साम्राज्य है। आप देखिएगा भी रीना जी ने किस तरह, आप देखिए मुस्लिम घरानों में भी अवधि के बोल बांगी किस तरह बोली जाती है। अगर कहीं तेज पानी बरसता बरसात में, तो लखनऊ के उन मोहल्लों में बगल में मुस्लिम घरों में कहेंगे, अरे बीबी लगता है कोई नखत है जो बरस रहा है, अब पता करो पड़ोस से कि हथिया है कि आद्रा है। मतलब इस तरह से सब जानते बोलते हैं। और उनके घरों में भी जो गीत गाए जाते वो आप ही से लिए गए हैं, थोड़ा सा फेर बदल के साथ। इनको सहेजना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और इनको सहेजने का कार्य हमारे ख्याल से हमारे संस्थान, हमारी अकादमी, हमारे जो भी अधिकारी हैं, अभी तरुण राज को देखिए वो कितना अधिक इसके लिए लोगों में प्रेरणा भी देते हैं और खुद भी जी जान से लगे रहते, तभी कुछ हो पाता है, संभव होता है। आज सब आप जो यहाँ जमा हुए हैं, हम भी आए हैं, बहुत अच्छा मौका, हम लोग इसे सुने और देखें। बेगम अख्तर की गायकी में भी अवधि की वानगी आपको मिलती, उन्होंने दादरे भी गाए, उन्होंने सारी चीज़ें गाए, होरी गाई, कजरी गाई, ये संस्कार गीत हैं, ये अलग चीज़ हैं, और इस तरह के भी। लेकिन उसमें जो जादू जबान का है, अवधि का है, इसको आप तक पहुँचाना इन लोगों का फर्ज है। कि जिस वक्त वो अपने दादरे में कहती, आधी रात पिया घोड़िया पे बैठे, झपट के पकड़ी लगाम, भोर हो चले जइयो भलम, तनी वरिया बोल बदला लो, नैना मिलाए के चला है परदेसिया, नैना मिलाए के।
तो ये अवधि है, आज सबके दिल में इस चीज को पहुंचाने की जरूरत है कि आप अपनी जमीनी जबान को समझें और उससे जुड़े। वो जिस जबान में पंचम वेद लिखा हुआ है, जिसको आप रामचरितमानस कहते हैं, और आपके सारे संस्कार गीत उसी जबान में हैं और उसी भाषा में। आप उमराव जान देखते हैं तो आप वहाँ भी पाते हैं, रे लखी बाबुल मोरे काहे को ब्याही विदेश, सबको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों को नहीं अच्छा लगता, उनको सौंपने की ज़रूरत है, उनको सिखाने की ज़रूरत है, इस परंपरा को उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। आज ये काम बहुत तेज़ी से अच्छी तरह हो रहा है, इसके लिए मैं पुनः अकादमी को, श्री तरुण राज जी को, रीना टंडन जी और उनके साथ के सभी सखियों को, और साथ ही यहाँ हमारे सभागार में जो आए हुए लोग हैं, उन सबको हृदय से शुभकामना और बधाई देता हूँ। नमस्कार।